Good morning, students. Students, in the previous lectures, we have discussed how to find the general and particular solution of a differential equation by using variable separable method. Now, today we will solve some word problems on differential equation by using variable separable method. So, let's start. So, the first question is: find the equation of a curve passing through the point 0, comma minus 2. Given that at any point x, y on the curve, the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point. तो हमें क्या करना है? Equation find करना है उस curve का जो कि इस point से pass हो रहा है 0, comma minus 2 से और जिसके tangent का slope किसी point x, y पर और उस पॉइंट पर जो वाई कोऑर्डिनेट है उसके मल्टीप्लिकेशन उसका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है उस पॉइंट पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है. तो सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और हमारे पास कोई कर्व है यहाँ पे. ठीक है, ये रिक्वायर्ड कर्व है जो हमें फाइंड करना है और ये कर्व किसी पॉइंट पी से पास हो रहा है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, -2 और इस पॉइंट पर कोई और एक पॉइंट है एक्स वाई जहां पर जो टेंजेंट है टेंजेंट एट दिस पॉइंट क्यू. ठीक है, इसका जो स्लोप होगा स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा प्रोडक्ट ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट एट दिस पॉइंट एंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको क्या गिवन है डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स. तो हमें पता है किसी पॉइंट पर स्लोप क्या होता है उस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव की वैल्यू होती है. सो पॉइंट क्यू पर सपोज दैट डेरिवेटिव हमारा कितना है डी वाई बाई डी एक्स और इस पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट क्या है वाई. सो डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ये हमको गिवन है. नाउ क्लियरली हमको दिख रहा है यहाँ पे कि हियर वी कैन सेपरेट द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. क्लियर, सो सिंस हियर द वेरिएबल्स कैन बी सेपरेटेड सो इन दिस केस वी कैन यूज वेरिएबल सेपरेबल मेथड टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन. सो वी कैन राइट इट एज वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स. क्लियर, नाउ इफ वी इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स देन we will get y square upon 2 is equal to x square upon 2 plus some integration constant c. ठीक है, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी. नाउ इफ यू मल्टीप्लाई 2 इन द होल इक्वेशन देन वी विल गेट y square इज इक्वल टू x square प्लस 2c. क्लियर, एंड इन प्लेस ऑफ 2c वी कैन राइट c1 वेयर c1 इज इक्वल टू 2c. Now this is general solution and general solution represents the family of curves. क्योंकि यहाँ पे c की value fix नहीं है, c is arbitrary constant. So for different values of c we will get different curves. But we have to find the curve which is passing through the point p with coordinate 0, comma minus 2. So to find the particular curve which is passing through point p 0, comma minus 2 we will put the coordinates of point p in this general solution to find the particular solution. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जनरल सोल्यूशन में पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे जिससे हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाए. सो पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस टू एंड x इज इक्वल टू जीरो वी विल गेट c इज इक्वल टू 4. क्लियर, so it means the required curve is y square is equal to x square plus 4. c के place पे हम 4 put कर देंगे general solution में तो हमें क्या मिल जाएगा ये required curve मिल जाएगा. ये हमारा क्या है particular solution है and particular solution of a differential equation gives the particular curve. Required curve. Now let's solve the second question. So in the second question, it is given that in a van, the principal increases continuously at the rate of r% per year. Find the value of r if rupees 100 double itself in 10 years.
and we are given the value of log base 2, 0.6931. So, हमें क्या गिवन है कि जो प्रिंसिपल है इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ आर परसेंट पर ईयर. सो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी आर गिवन दैट इफ पी इज द प्रिंसिपल देन रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विद टाइम इज डी पी बाई डी टी एंड इट इज गिवन इक्वल टू आर परसेंट ऑफ पी. ठीक है, मतलब जितना प्रिंसिपल है उसका आर परसेंट इंक्रीज हो जाता है एवरी ईयर. क्लियर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही इनको गिवन है ना कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल है वो कितना है, आर परसेंट है पर ईयर. तो आर परसेंट किसका, आर परसेंट ऑफ द प्रिंसिपल इंक्रीज करेगा वो एवरी ईयर. तो इट मीन्स डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू आर परसेंट ऑफ पी. इट मीन्स दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू R by 100 into P. Clear? So it means here T is time. T यहाँ पे क्या है, time है. So it means if we shift P on the left hand side and DT on the right hand side, then again it will change into the variable separable form. उसी form में आ जाएगा DP by P is equal to R by 100 into DT. Clear? Here R is constant. Rate of interest तो constant रहेगा. So R is constant. T is time. It is variable. And principal P, it is also changing. So P is also variable. Now if we integrate on both the sides, then integration of DP by P is log base P is equal to R and 100, both are constants, so it can be written as R upon 100 integration integral of dt. So it will give log base EP is equal to R by 100 into T plus some integration constant C. This is the general solution of this differential equation. But we have to find the rate of interest R. क्या पे हमें rate of interest R की value find करनी है. And it is given in the question that the principal double itself in 10 years. ठीक है, the principal rupees of principal amount of rupees 100 double itself in 10 years. तो इट मीन्स जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तब उस टाइम पे प्रिंसिपल कितना गिवन है हमको, 100 रुपीज. सो पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस जनरल सॉल्यूशन वी विल गेट log बेस e 100 इज इक्वल टू r by 100 इंटू जीरो प्लस c. सो c इज इक्वल टू कितना हो गया, ये log बेस e 100, c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली. एंड इट इज गिवन दैट आफ्टर 10 ईयर्स दिस प्रिंसिपल अमाउंट विल गेट्स डबल, ये डबल हो जाएगा 10 साल बाद. तो इट मीन्स एट t इज इक्वल टू 10, जब t की वैल्यू टाइम कितना हो जाएगा 10 ईयर्स, तब प्रिंसिपल कितना हो जा रहा है 200. सो अगेन पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, नाउ we will get log base e 200 is equal to r by 100 into 10 plus c. We have already find the value of c, so c is log base e 100. Shifting log base e 100 on the left hand side, we will get log base e 200 minus log base e 100 is equal to r by 10. Now, log A minus log B is log A by B, so it can be written as log 200 upon 100 means log base E2. So R by 10 is log base E2. And we have given the value of log base E2, question mein given, and it is 0.6931. It is given in the question, the value of log base E2 is 0.6931.
ऐसे आपको याद नहीं होना चाहिए log बेस ई टू की वैल्यू. सो आर इज इक्वल टू 10 × 0.6931. इट मीन्स आर इज इक्वल टू 6.931. एंड सिंस आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होता है, इट मीन्स आर इज 6.93%. सो इट मीन्स द प्रिंसिपल विल इंक्रीज बाई 6.93% एवरी ईयर. क्लियर? तो इस तरीके से आप वर्ड प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को रीड करके जो उसमें कंडीशंस गिवन है उनको यूज़ करके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पहले फॉर्म करनी है. यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन नहीं रहेगी, यू हैव टू फ्रेम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन योर ओन एंड देन फॉलो द सेम मेथड दैट वी वर यूजिंग अर्लियर, वेरिएबल सेपरेबल मेथड इफ द वेरिएबल्स आर सेपरेबल एंड फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एंड यूजिंग द कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन then find the particular solution. Now these are some practice questions, so practice these questions. Thank you.